क्या आपने कभी सोचा है कि हम लाखों करोड़ों साल के एवोल्यूशन में इंसान तो बन गए, लेकिन ये बंदर इंसान क्यों नहीं बन पाते? तो इस जवाब के लिए हमें जाना होगा 70 लाख साल पहले, जब कैनिया पिथिकस नाम की एक एप्स की प्रजाति पेड़ों में रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, इनको खाने की बहुत ज्यादा कमी होने लगी, जिसके कारण उनकी आपस में लड़ाइयां भी होने लगी, जिसमें हारने वाले कमजोर एप्स पेड़ों से उतरकर जमीन पर आ गए और उन्होंने जमीन पर आकर खाने को ढूंढना शुरू कर दिया। खाने की तलाश में वे मैदानों में कई कई मील दूर तक फैल गए। ये पेड़ों में आसान तरीके से फलों को पाने से कहीं मुश्किल था। मैदानों में उतरने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम इंसान अस्तित्व में आए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम जरूर लिखना। मैदानों में दूर दूर तक फैलते ही इस प्रजाति को खूंखार जानवर और कठोर प्रकृति का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वे धीरे धीरे इवॉल्व होते होते होमो सेपियंस में तब्दील हो गए, यानी कि आज का इंसान। और जो प्रजाति पेड़ों में रह गई थी वह आज भी उसी रूप में, यानी कि बंदर ही है।